दोस्तों ये मेरे पास रियल मी C3 मोबाइल है, और रियल मी C3 में एक अपडेट का रोल आउट स्टार्ट हुआ है जिसका वर्सन है C.03 रियल मी UI का वर्सन। तो मैंने बता दिया था एक अपडेट आया है, और आज मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा इस मोबाइल पे। क्योंकि यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर अपडेट में अगर हम जाएँ यहाँ पर, तो यहाँ पे टूट मुझे यहाँ OTI के थ्रू अपडेट नहीं मिला। तो OTI के थ्रू अपडेट नहीं मिला, इसीलिए मैंने मैनुअली यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। 2.87 GB इसका साइज़ है, और ये जो फाइल है वो है आपका डाउनलोड में। ये देखिए RMX 10 2.87 GB साइज़ है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे रियलमी C3 का गिव है चल रहा है। अगर अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया तो जल्दी से कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर मिल जाएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसे डाउनलोड करने के बाद आप कैसे इंस्टॉल करना है आप देख लीजिए। सिर्फ यहाँ पे प्रेस करना है, फिर बोलना है आपका अपग्रेड नाउ, और अपग्रेड नाउ बोलने के साथ साथ ये फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा और इनका काम स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही टाइम में यहाँ पे अपलोड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लगेगा कुछ। देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो लगभग 4 से 5 मिनट यहाँ पे टाइम लगता है नॉर्मली। तो हो जाने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये अपडेट, और यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है। कंप्लीट हो जाने के बाद भी यहाँ पे टाइम लगता है। देखिए रियलमी का लोगो यहाँ पे आ चुका है, और तब तक के लिए जब तक ये अपडेट होता है, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। और दो गिवअवे चल रहा है, एक है रियलमी C3 का और एक है 5G मोबाइल UC660 का। तो दोनों का ही गिवअवे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। UC गिवअवे का जो है 660 का, वो उसका रिजल्ट आएगा 1 मार्च को, और रियलमी C3 का जो गिवअवे है वो 1000 लाइक के बाद ही आएगा। तो अभी तक 100 लाइक हुआ है, तो जल्दी से आप लाइक करने से, ये जितना जल्दी लाइक होगा उतना जल्दी इसका गिवअवे भी मैं कर दूंगा। तो ये मोबाइल यहाँ पे गिवअवे में जाएगा। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली, और अगर सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पर और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाए, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 8.03, और फीचर्स में अगर हम जाए यहाँ पर फीचर्स भी दिखा देगा। अब एंड्रॉयड सिक्योरिटी वॉच फेब्रुअरी 2020 हुआ है, तो उसके बाद ऑप्टिमाइज कैमरा फ्रेमिंग थर्ड पार्टी दिखा रहा है, ऑप्टिमाइज रियर पोर्ट्रेट इमेज क्वालिटी, ऑप्टिमाइज फ्रंट पोर्ट्रेट व्यू, ऑप्टिमाइज फोटोज़ क्वालिटी, पैनोरामा मोड, फिक्स CDP पोर्ट आइडेंटिफिकेशन फेलियर, फिक्स द इशू दैट बूट लोगो फेल टू डिस्प्ले। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जो है अबाउट फोन में जाके, वो यहाँ पे हो चुका है। देखिए अंडर सिक्योरिटी पैच है 5 फेब्रुअरी 2020, और यहाँ पे कैमरा में जो इम्प्रूव के बाद यहाँ पर बोल रहा था, कैमरा कभी कभी लैग होता था ये वाला है, और पोर्ट्रेट मोड में कभी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ करता था। तो पोर्ट्रेट मोड एक बार हम उठा के पिक्चर, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड जो है वो खास करके थोड़ा सा फिक्स यहाँ पर हुआ है। देखिए पोर्ट्रेट यहाँ पर अच्छा कैप्चर कर रहा है, तो कैमरा में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, और यहाँ पे कैमरा पैनोरामा मोड में भी कुछ इम्प्रूव हुआ है, और CDP पोर्ट आइडेंटिफिकेशन फेलियर, मतलब यहाँ पे कुछ IP एड्रेस के रिलेटेड है जो यहाँ पे फेलियर हो रहा था वो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, और फिक्स द इशू दैट बूट लोगो फेल टू डिस्प्ले, ये भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। तो यही था रियलमी C3 का अपडेट भी हुआ। अब इसका बैटरी बैकअप या फिर कैमरा क्वालिटी तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और भी कुछ इम्प्रूव अगर हो, कुछ नया मेरे को चेंजेस मिलेगा मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा। तो यही था रियलमी C3 का C.03 अपडेट करी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों इतना ही, बाय।